हस्तिनापुर में दो युवराजों की समस्या का समाधान करने के लिए भीष्म ने हस्तिनापुर के विभाजन का सुझाव दिया। तात्श्री भीष्म की बातों को ध्यान में रखते हुए धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर के दो हिस्सों में बांट दिया, खांडवप्रस्थ पांडवों के नाम कर दिया और दुर्योधन को हस्तिनापुर दे दिया। खांडवप्रस्थ यमुना के पश्चिमी तट पर पथरीली भूमि का एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जहां नागवंशी और असुर जाति के लोग रहते थे। एक प्रकार से खांडवप्रस्थ हस्तिनापुर का हिस्सा होते हुए भी नहीं है और धृतराष्ट्र पर अन्याय का आरोप न लगे इसलिए पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया गया, जो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अच्छा नहीं लगा। इस विषय पर सभी विचार विमर्श करते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं कि महाराज, धृतराष्ट्र ने आप लोगों को आपकी कर्म भूमि दी है। अपने साथ हुई इस अन्याय पर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने अपनी बात रखते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने हस्तिनापुर के हित में निर्णय लेते हुए हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही कृष्ण की बातों को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ये भी कहते हैं कि वो अपने भाइयों के सहयोग से खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। हस्तिनापुर के विभाजन का फैसला करके धृतराष्ट्र अपने आप को ही कोस रहा है। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर गांधारी समझ जाती है कि धृतराष्ट्र उससे कुछ छिपा रहे हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी शकुनी की राजनीति चल रही है। इस बात का भी दुख है कि हस्तिनापुर का आधा हिस्सा पांडवों को दे दिया गया। दुर्योधन और दुशासन भी इस बात पर नाराज हैं। अब शकुनी अपना नया षड्यंत्र रच रहा है, उस विभाजित टुकड़े को वापस से हस्तिनापुर जोड़ने का। साथ ही ये वो भी चाहता है कि द्वारिका के यदुवंशी भी इन्हीं के वश में आ जाए। इसलिए शकुनी दुर्योधन को, बलराम को अच्छा खाना खिलाकर, सोमरस पिलाकर अपने वश में करना चाहता है। दुर्योधन मामा शकुनी की बात मानते हुए पहुंच गए कृष्ण और बलराम से भेंट करने, जो हस्तिनापुर आए हुए हैं। दुर्योधन बलराम को हस्तिनापुर का भ्रमण कराने ले जाते हैं और वहां कृष्ण कवि विदुर के घर पर साग और मकई की रोटी का आनंद उठा रहे हैं, तो कवि द्रोणाचार्य से भेंट करके उनकी हर शंका को दूर कर रहे हैं। अर्जुन रात के अंधेरे में एक वृक्ष पर बाण चलाकर अपने क्रोध को शांत कर रहा है। तभी वहां भीष्म पितामह आते हैं और उसके क्रोध को शांत करते हैं। अर्जुन पितामह का हाथ पकड़कर रोने लगते हैं और उनसे विनती करता है खांडवप्रस्थ साथ चलने की, लेकिन भीष्म उसे गले लगाते हुए अपने प्रतिज्ञा और वचन की बात कहकर रोने लगते हैं और वहां से चले जाते। और वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन और दुशासन शकुनी मामा का कहा मानकर बलराम की आवभगत में लगे हुए हैं और बातों ही बात में उनसे गदा शिक्षा पाने की बात कहता है, जिसे बलराम मना नहीं कर पाते। खांडवप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर राज्याभिषेक के लिए तैयार हो रहे हैं। कुंती के कहने द्रौपदी युधिष्ठिर को तिलक लगाती हैं। पांच पांडव और द्रौपदी राज्याभिषेक की ओर जाते हैं, जहां पूरा हस्तिनापुर आया है और धृतराष्ट्र सबको प्रणाम कर विभाजन की घोषणा करते हैं कि उन्होंने हस्तिनापुर को एक भाग यानी खांडवप्रस्थ युधिष्ठिर को दिया है और बचा हुआ हस्तिनापुर का दूसरा भाग दुर्योधन के पास रहेगा। युधिष्ठिर की तारीफें करते हुए धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक की घोषणा करने ही वाले थे कि वहां महर्षि वेदव्यास आ गए। सभी वेदव्यास का आशीर्वाद लेते हैं। वेदव्यास द्रौपदी को आशीर्वाद देते वक्त उसे अपने केश का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक आरम्भ करने के लिए कहते हैं। कृपाचार्य युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके मुकुट पहनाते हैं और युधिष्ठिर की जय जयकार होती है। उसके उपरांत युधिष्ठिर और द्रौपदी सभी को प्रणाम करके खांडवप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। पांच पांडव, द्रौपदी और कुंती खांडवप्रस्थ आते हैं, जहां भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी आए हैं। खांडवप्रस्थ की बंजर भूमि देख अर्जुन कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं और कृष्ण उन्हें इंद्रदेव का नाम लेकर अपना काम आरम्भ करने को कहते हैं। सभी मिलकर खांडवप्रस्थ की भूमि की पूजा करते हैं और इंद्रदेव को प्रणाम करते हैं। बलराम अपना हल भीम को देते हैं और सभी मिलकर उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य शुरू कर देते हैं। इंद्रदेव भी खुश होकर वर्षा कर देते हैं और सूखी पड़ी भूमि हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, खांडवप्रस्थ में पांडव अपनी नगरी भी बसा लेते हैं, महल भी बन जाते और श्री कृष्ण शंख बजाकर पांडवों की जीत का ऐलान करते हैं।